कलर्स हैं, जो व्यूज़ हैं, जो फील है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता। बाकी यहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त है, तो आगे जैसे जाते रहेंगे। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अगर आप गूगल इमेजेस पे जाके कनाडा कीवर्ड सर्च करते हो ना, तो आपको दो तरीके की इमेजेस दिखाई देंगी अगर ब्रॉडली देखा जाए तो। एक आपको दिखाई देंगी जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़े बड़े टावर होंगे, मतलब प्रॉपर आपको कॉन्क्रीट जंगल दिखेगा। एक आपको दिखाई देंगी जिसमें बहुत ही सुंदर पहाड़ होंगे, बहुत ही लाजवाब लेक्स होंगी और हरे रंग के पेड़ होंगे। एक टाइप का जो कनाडा है वो मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया अपनी वीडियोस के थ्रू, जैसे टोरंटो हो गया या फिर विंडसर हो गया, वाटरलू हो गया, सार्निया हो गया। लेकिन जो दूसरे टाइप का कनाडा है वो मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाया, तो इस वीडियो में आप लोगों को वही कनाडा दिखाएंगे। तो बेसिकली जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली मैं अल्बर्टा घूमने गया था, तो अल्बर्टा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बैम्फ नेशनल पार्क। तो वो कनाडा का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो अगर आप कैलगरी से वेस्ट की तरफ एक घंटा ड्राइव करते हो तो बैम्फ नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। और जैसे ही नेशनल पार्क में एंटर करते हैं तो वहाँ से अगर हम एक घंटा और ड्राइव करें तो एक लेक आती है जिसका नाम है लेक लुई, या फिर लेक लुइस भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेक है, दो पहाड़ हैं, मतलब दो पीक्स हैं, और उनके सामने एक लेक बनी हुई है जिसका पानी प्रॉपर टर्कवाइज कलर का है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, तो वो नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, तो यार आज वीडियो की शुरुआत हो रही है कनाडा की सबसे पॉपुलर लेक से जिसका नाम है लेक लुई। तो बेसिकली आज हम सुबह कैलगरी से निकल गए थे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे, क्योंकि लेक लुई का रास्ता कैलगरी से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का है। तो वहाँ से हम निकल गए थे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे और 6 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं रुकते रुकते घूमते फिरते। और जैसे कि आप अभी पीछे देख सकते हो पार्किंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तो लोग सनराइज़ देखने के लिए फटाफट आते हैं सुबह सुबह, तो हम भी सनराइज़ देखने के लिए आए हैं। कहते हैं कि भाई जो लेक है बहुत सुंदर है, जो पानी है वो बहुत अच्छा लगता है और सनराइज़ जो होती है सामने बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो देखते हैं कि भी एक्चुअल में सुंदर है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। पार्किंग से निकलने के बाद जैसे ही हमारी लेक लुई पे नज़र पड़ती है तो नज़ारा बहुत ही लाजवाब होता है और ऐसा लगता है कि हम किसी कंप्यूटर स्क्रीन के बहुत ही सुंदर से वॉलपेपर को देख रहे हैं। अब यार इस लेक की पॉपुलैरिटी का आपको अंदाज़ा ये देख के ही हो जाएगा कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे भीड़ देख लो कितनी हो रखी है, और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से आते हैं। तो हिसाब किताब है। बाकी अभी यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, तो जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको व्यू दिखाते रहेंगे और बाकी बातें भी करते रहेंगे। अब यार यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है कि स्पॉट ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कोई जगह ही नहीं मिल रही है कि कहाँ जाके हम बैठें और व्यू वगैरह कैप्चर करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर फाइनली हमें एक स्पॉट मिल गया है जहाँ पे हम बैठ के थोड़ा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें शातें कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और यार सनराइज़ होते हुए इस लेक के सामने वाले पहाड़ों का रिफ्लेक्शन जब पानी पर पड़ता है ना, तो नज़ारा बहुत ही लाजवाब होता है। और उसी नज़ारे को देखने के लिए लोग सुबह 4 बजे 5 बजे या फिर 6 बजे इस लेक पर आ जाते हैं। हाँ जी, तो यार व्यू वगैरह हमने इंजॉय कर लिया है, सनराइज़ हो गई है, मज़ा आ गया। आप 2-3 घंटे यहाँ बैठ के टाइम पास तो कर नहीं सकते ना, कितना व्यू देखेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत लग्जरी सा होटल है, महंगा सोता है, लाइक $700-800 पर नाइट का हिसाब किताब होता है। तो वहां अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहां इस साइड यहां पे ट्रेल वगैरह है, तो वहां भी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि लेक के उस एंड तक पहुंचे और आप लोगों को दिखाएंगे। और बाकी थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि अगर हम सब कुछ अभी बता देंगे तो आप हमारे साथ कैसे जुड़े रहोगे एंड तक। सो लेट्स गो। इस लेक में अगर आप कनोइंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली सामने जो आपको हट दिखाई दे रही है वहाँ से आप $145 पर आर के हिसाब से कनो रेंट कर सकते हो और इस आइकॉनिक लेक में कनोइंग करने का मज़ा उठा सकते हो। और बाकी यार हम कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर वगैरह नहीं है, तो जैसा हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बाकी दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो हर एक व्लॉगर बोलता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इस जो जितना सुंदर है व्यू है वो हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। जो कलर्स हैं, जो व्यूज़ हैं, जो फील है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो हर व्लॉगर बोलता है वो ये बोलता है, क्या बोलता है, कि यहाँ की ऑक्सीजन कोई चाइना की कंपनी है, वो यहाँ की ऑक्सीजन पैक करके वहाँ चाइना में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्हाटएवर दे डू। तो ये हिसाब किताब होता है, ऐसा है। तो
और पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख सकते हो ये है फेयरमोंट होटल। तो बेसिकली ये लेक लुई के बिल्कुल सामने है, तो इनके रूम्स वगैरह से जो व्यू आता होगा बड़ा ही ज़बरदस्त आता होगा। लेकिन रूम का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लाइक 700 या फिर $800 पर नाइट का, और अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी महंगे हैं, तो महंगा सोता है बेसिकली क्योंकि व्यू इतना ज़बरदस्त है। बाकी एक बार अंदर चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, कितने प्राइस वगैरह हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। नॉर्मल बंदा तो आई डोंट थिंक रहता होगा यार, खाता पीता होगा, बाकी कभी ज़िंदगी में साथ दिया भगवान ने तो भी यहाँ रुकेंगे। तो यार ये है फेयरमोंट होटल का इंटीरियर, तो इस प्रकार का कुछ दिखता है फेयरमोंट होटल अंदर से। और यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया और इस साइड कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो अभी फ़िलहाल तो बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, लाइक 7:30 बज रहे हैं। और काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं पब्लिक के लिए, सिर्फ गेस्ट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सिस्टम है। बाकी इस साइड चलते हैं, देखते हैं अगर कोई बढ़िया चीज़ दिखती है तो आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं दिखती है तो आगे ट्रेल पर चलेंगे। यार होटल वगैरह देख लिया, नॉर्मल सा होटल है, इतना कोई वो नहीं है कि भाई आना है और देखना है, नहीं भी आओगे तो चलेगा। बाकी अंदर जो सौदा है वो काफ़ी महंगा है, सैंडविचेज़ वगैरह हो गए लाइक $15 के हैं, क्रूसॉन वगैरह हो गए कॉफ़ी हो गए $10 के हैं, तो इतना पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चाय ले आओ थर्मस के अंदर और वो पियो और व्यू को इन्जॉय करो। वहाँ पर डेस्क वगैरह लगे हैं, जो रूम से व्यू आएगा वही वहीं से व्यू आएगा, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हिसाब किताब है, बाकी इस साइड ट्रेल पर चलते हैं, कुछ बढ़िया दिखेगा तो आप लोगों को दिखा देंगे। तो यार अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और जो सूरज है वो प्रॉपर ऊपर आ चुका है, प्रॉपर धूप निकल गई है। तो सुबह जो नज़ारा था ना, जो पानी था प्रॉपर रिफ्लेक्शंस वगैरह दे रहा था, शीशे की तरह पानी लग रहा था, वो चीज़ अब नहीं रही। अब जो है पानी का प्रॉपर टर्कोइस कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हिसाब किताब है। तो इसलिए लोग सुबह सुबह आते हैं उस व्यू को इन्जॉय करने के लिए, सनराइज़ को इन्जॉय करने के लिए। इसलिए हम सुबह सुबह 3 बजे कैलगरी से निकले थे वही सनराइज़ को देखने के लिए। तो मेरी भी आप लोगों को यही सजेशन रहेगी, अगर लेक लुई को प्रॉपर इन्जॉय करना चाहते हो, असली नेचर की सुंदरता देखना चाहते हो, सुबह सुबह आओ और सनराइज को एंजॉय करो। तो ये हिसाब किताब है, बाकी अब आगे निकलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सैर सपाटा करते हैं। और यहाँ नीचे जैस्मिन जी बैठ के बड़ी सीरियस होके कोई बुकिंग वगैरह कर रही है लेक लुई के किनारे पे। तो कहाँ की बुकिंग कर रहे हो आप? वो सरप्राइज है। हाँ जी, तो मैडम मेरे को कुछ सरप्राइज़ वगैरह देने वाली हैं क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, तो इन्होंने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए बुकिंग कर रही है, मेरे सामने ही बुक कर रही हैं, है ना? पर जगह तो नहीं पता ना। ठीक है फिर यहाँ से कुछ ट्रेल्स वगैरह शुरू होती हैं, तो अगर आप यहाँ से ऊपर जाओ तो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो। बेसिकली 3.4 किलोमीटर के बाद एक टी हाउस आता है, उसके बाद ऊपर जाके कोई लेक एग्नेस है, मिरर लेक है, और सबसे ऊपर है बी हाइव। तो वहाँ से लेक लुई का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, लाइक 4-5 घंटे लग जाते हैं पूरा लूप करने में, तो इतना टाइम तो है नहीं कि हम ट्रेल वगैरह पे जाएंगे, तो यहीं पे थोड़ा बहुत चक्कर मारेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई अभी तो हम लेक लुई पे और हमें जाना था लेक मोरेन, लेकिन लेक मोरेन की फ़िलहाल पार्किंग जो है वो फुल है, तो जैसे ही वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल होगी हम जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये पहाड़ी एरिया है, मतलब हिली रीजन है, कनेडियन रॉकीज़ है, तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, पार्किंग मिलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है लेक लुई की पार्किंग फुल हो जाती है, जब हम आए थे तभी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी पार्किंग, ठीक है। लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे एक लेक लुई विलेज है, उससे 3 मिनट दूर एक पार्क एंड राइड नाम की जगह है, तो वहाँ पे आप जाओ अपनी गाड़ी लेके, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दो और $8 की टिकट होती है। टिकट लेने के बाद वहाँ से एक बस चलती है, वो बस आपको लेके आएगी लेक लुई। अपना टाइम वगैरह स्पेंड करो, जितना आपको टाइम स्पेंड करना है, एंजॉय करना है, फ़ोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है, जो करना है वो करो। उसके बाद फिर आपको ये लेक लुई की पार्किंग से एक और बस मिल जाएगी, वो बस आपको लेके जाएगी लेक मोरेन। फिर वही काम आप लेक मोरेन पे करो, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, जो करना है वो करो, और फिर वहाँ से लेक मोरेन की पार्किंग से आपको एक बस मिल जाएगी, वो आपको वापस ले जाएगी जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, मतलब गाड़ी पार्क की थी। तो हिसाब किताब है, तो पार्किंग को डॉच करने का यही तरीका इन्होंने निकाल रखा है सरकार ने, तो ये सिस्टम है। तो बेसिकली जो लेक लुई है वहाँ पे 2 तरीके की पार्किंग है, एक है अपर पार्किंग और एक है लोअर पार्किंग। तो बेसिकली जो वो बस है ना वो आपको लोअर पार्किंग पे छोड़ेगी, और मोरेन लेक जाने के लिए भी आपको लोअर पार्किंग से ही बस मिलेगी। और ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ये जो ग्रीन टेंट है यहाँ से पूछी है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो तो इनसे जाके पूछ सकते हो। तो ये हिसाब किताब है, बाकी हम कोशिश करते हैं लेक मोरेन जाने की। और हाँ यार, कैलगरी से भी बस वगैरह चलती है, $10 या $15 की टिकट होती है, वो आपको बैंफ तक ले आएगी, बैंफ डाउनटाउन तक। लेकिन वहाँ
से लेक लुई आने तक का थोड़ा औखा काम हो जाता है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि अगर आप बैंफ घूमना चाहते हो, लेक लुई आना चाहते हो, मोरेन लेक वगैरह घूमना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करो, गाड़ी वगैरह रेंट कर लो, क्योंकि बस वगैरह में घूमोगे, बस की वेट करोगे और कहीं अगर रुकना चाहो, कोई व्यू पॉइंट पर रुकना चाहो, तो वो भी नहीं कर पाओगे, तो वो ढंग से फुल इन्जॉय नहीं हो पाता। तो मेरा यही सजेशन है, अगर दो तीन फ्रेंड आप लेक लुई या फिर बैंफ वगैरह घूमना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करो, एक गाड़ी रेंट कर लो और फिर ढंग से इन्जॉय करो, तो मज़ा ज़्यादा आएगा। बस वगैरह के चक्कर में पड़ोगे यानी बस के धक्के खाओगे, बस की वेट करोगे, तो वो प्रॉब्लम है। और फिर यार लेक लुई के नज़ारे देखने के बाद हमने जाना था लेक मोरेन, जो कि पर्सनली मेरे को ज़्यादा पसंद है लेक लुई से, लेकिन उसकी पार्किंग ज़्यादातर फुल ही रहती है। आप दोपहर को चले जाओ, शाम को चले जाओ या फिर अर्ली मॉर्निंग चले जाओ 4 बजे भी, तब भी ज़्यादातर आपको उसकी पार्किंग फुल ही मिलेगी। उसका रीज़न यही है कि वो जो लेक है ना, वो बहुत ही लाजवाब है, उसकी जो सीनरी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जो पानी है प्रॉपर टर्कोइज या फिर ब्लू कलर का कह लो, बहुत ही सुंदर लगता है। वो हम अगले दिन गए थे, लेकिन जब हमने लेक लुई के बाद मोरेन लेक जाना था, तो पार्किंग फुल ही मिली जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। अगर आपको पार्किंग फुल नहीं मिलती है, अगर आपको स्पॉट मिल जाता है, तो अपने आप को बहुत लकी समझना। तो हमने फिर शटल सर्विस भी ट्राई की, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला कि हम उस लेक पे जा पाएँ लेक लुई के बाद। तो अब कहीं तो जाना था, तो हम गए जॉनस्टन कैनियन, जो आपको दिखाते हैं। और जो जॉनस्टन कैनियन है, वो लेक लुई से अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 मिनट की दूरी पे है। तो वहाँ जाने के लिए आपको एक बो वैली पार्कवे नाम की रोड से जाना पड़ता है, जिसके नज़ारे अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो उसके नज़ारों का मज़ा उठाते हुए हम पहुँच गए जॉनस्टन कैनियन। हाँ जी, तो भाई कपड़े वगैरह चेंज करके अब हम आ गए हैं जॉनस्टन कैनियन, और ये 1.1 किलोमीटर की ट्रेल है जो लोअर फॉल्स की है, और एक अपर फॉल्स भी है जिसकी ट्रेल 2.4 किलोमीटर की है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। जैस्मिन जी थोड़ा थक गई हैं, लेकिन उनको पुश कर करके मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है, तो आगे जैसे जाते रहेंगे, और जो डेस्टिनेशन पे जो व्यू वगैरह है, जो भी चीज़ है, हमें नहीं पता क्या है, जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। जॉनस्टन कैनियन पे जैसे हम लोअर फॉल पे पहुंचे, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। लगा लो 1-1.5 घंटा हम लाइन में खड़े रहे सिर्फ लोअर फॉल्स को देखने के लिए। एंड एट द एंड मैंने रियलाइज किया कि इतना वर्थ नहीं था वेट करना, इससे अच्छा कहीं और चले जाते। तो यार यहाँ पे आप लोगों को आवाज तो आनी ही होगी, लेकिन ये है जॉनस्टन कैनियन की लोअर फॉल्स, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठंडा ठंडा है, मिस्ट आ रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये केव से होके हम आए। तो यार लोअर फॉल की जो ट्रैकिंग थी वो तो ठीक थी, नॉर्मल थी, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं थी, लेकिन अपर फॉल की जो ट्रैकिंग है वो अपर ही अपर है। यस, थोड़ा सा वर्थ है, अच्छा व्यू है। अब यार जो जॉनस्टन कैनियन था ना, मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा, मतलब नॉर्मल लगा कि भाई 4 किलोमीटर की हाइक करके आप 2 बेसिक सी वाटरफॉल देख रहे हो, जो कि नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आपके पास 4-5 घंटे का टाइम है, मतलब हाइक कर सकते हो आप थोड़ी बहुत, तो इससे अच्छा है कि आप लेक लुई के पास जो हाइक है ना, वहाँ से जो ट्रेल निकलती हैं बी हाइव या फिर टी हाउस जाने की, वहाँ जाओ, वहाँ से जो लेक लुई के नज़ारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, लेक लुई अगर पसंद आई और जॉनस्टन कैनियन थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगली वीडियो में हम देखेंगे बैम्फ गोंडोला और लेक मोरेन और एक बहुत ही सुंदर फॉल्स जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ती है।